इज वेलकम टू माई चैनल एबी रॉक सीम। सऊदी अरेबियन लीग का मैच हो रहा है अल खौलूद वर्सेज अल शबाब के बीच 8:30 बजे। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइज हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है, सो आगे बढ़ते हैं। तो बात करें इस मैच की, तो अल खौलूद एंड अल शबाब दोनों टीम्स के बीच ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मैच हुआ है। अल खौलूद सऊदी अरेबियन के लिए क्वालिफाई हो गई, यही बहुत बड़ी बात है कि अल शबाब से भिड़ पा रही है, नहीं तो ये दोनों टीम सऊदी किंग्स कप में मिल पाती इस साल। लेकिन फ़ायदा यहाँ पर मिल गया इन दोनों को, फ़ायदा क्या, अल शबाब का फ़ायदा जीत का, और अल खौलूद एक बड़ी टीम को अगर हरा देती है, अगर ये अल शबाब को आज हरा देते हैं तो बहुत बड़ा अपसेट मैच होगा अल शबाब के लिए। तो विनिंग चांसेस देखिए भाई, बहुत ज़्यादा एनालाइज करने के बाद भी 15 से 20% से ऊपर नहीं है ALK के, और इन ये तो कम से कम 70-80% विनिंग चांस के साथ उतरेगी अल शबाब। सो आई एम फेवरिंग अल शबाब टीम। तो आगे चलते हैं। तो स्ट्राइकिंग की बात करूँ, स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर एक प्लेयर है इनका जिसका नाम है ए हमदला, जो पहले अल इतिहाद में था। इसने ORO के अगेंस्ट 24 अक्टूबर को एक गोल किया था और उस मैच में एक असिस्ट की थी। कैप्टन था ये हमारा, 84 पॉइंट इसने दिए थे, और मेरा वाइस कैप्टन था एम एल जुवेयर ने उस मैच के अंदर 116 पॉइंट दिए थे, एक गोल एक असिस्ट 24 अक्टूबर के मैच में। दोनों छा गए थे और मैं कह रहा हूँ कि ये हर मैच में छा सकते हैं। ए हमदला के एक्सपीरियंस के आगे सामने वाली टीम को दिक्कत आएगी, एमएल जुवेर की करंट फॉर्म के आगे सामने वाली टीम को दिक्कत आएगी। तो दोनों का क्या ही मतलब, मैं कहूँगा पार्टनरशिप रहेगी इस मैच में, कैसा खेलते हैं आपस में मज़ा आएगा। उसके बाद वाई करेस्को की बात करें, देखिए अगर यनिक करेस्को खेला तो लेना एक मजबूरी है, अगर करेस्को खेलेगा तो ज़रूर इस प्लेयर को लेना पड़ेगा, अगर नहीं खेलता तो इसकी जगह एच कमारा खेलेगा। देखिए कमारा को मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता, कमारा को लेना रिस्क रेशियो बहुत बढ़ा देगा, बहुत ज़्यादा। एक ऐसा प्लेयर जिस पे उम्मीद नहीं है और हम उसे अपनी टीम में ले रहे हैं, कल को वो फ्लॉप हो गया तो हम अपने आप को ही कोसेंगे कि भाई लिया क्यों जब ट्रस्ट ही नहीं था। तो मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मुझे तो ट्रस्ट है नहीं, जिस पे ट्रस्ट ना हो मैं उस प्लेयर को लूँ क्यों। तो मैं एच कमारा के साथ पर्सनली नहीं जा रहा, आप लेना चाहते हो ले लो, क्योंकि मैं उसकी जगह पर पहले तो मैं सी गुएंसा को लूँगा, क्रिश्चियन गुएंसा इज़ गुड, इसका भी प्रीवियस वीक ही एक गोल आया था तो अच्छा खेला, असिस्ट भी की थी इसने एक मैच में, सऊदी किंग्स का शायद मैच था, पता नहीं मुझे याद नहीं है, पता नहीं कौन सी लीग का मैच था यार, UEFA का भी हो सकता है, भूल गया हूँ थोड़ा। उसके बाद बोनावेंतुरा की बात करें तो बोनावेंतुरा हो गया, अल सादी हो गया, तो ये तो देखो कभी कभार चलने वाले प्लेयर हैं। असल में जी क्यूलर को भी लेने का कोई रीज़न नहीं है, जब तक वो डिफेंडिंग कर रही थी उसने 18 अक्टूबर को मैंने टीम में लिया, उसके बाद मैं इसको ट्राई भी नहीं करूँगा, क्योंकि क्यूलर ठीक है जिस लीग से आया है वहाँ पर फ्री के पॉइंट इसने बहुत दिए, मुझे बहुत मैच जिताए, लो सिलेक्शन पे बिना गोल करे 30-30, 40-40 पॉइंट इसने दिए। लेकिन आज की अगर बात करूँ तो कमारा को छोड़ के मैं ऐसे प्लेयर्स नहीं लूँगा, मैं किसी के साथ यहाँ पर नहीं जा रहा। अगर मैं ऑपोजिशन टीम की बात करूँ तो इनका एक प्लेयर है ए कोलैडो, एक इनका प्लेयर है मुलेका, मुलेका बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसने 25 अक्टूबर को अल नासिर को गोल किया था, 2 असिस्ट की थी, 2 ही शॉट ऑन टारगेट भी दिए थे कि एक दूसरा गोल आ जाए, हो सकता था ये 150 पॉइंट के ऊपर जा सकता था, लेकिन बाद में थोड़ा हाथ टाइट हो गया था इनका, बाद में मतलब खास नहीं कर पाया था, लेकिन शुरुआत अच्छी थी। तो पहले तो इसके मतलब इसके साथ तो जाऊंगा मुलेका के साथ। तो अगर कोलैडो की बात करें, कोलैडो देखो समटाइम चलता है समटाइम नहीं, बड़ा खिलाड़ी है यार, लोग छोड़ने में भी डरते हैं, बट मैं तो नहीं, मैं तो इसको पक्का लूँगा, मैं मुलेका के साथ भी जा रहा हूँ। मिडफील्डिंग की बात करें, देखिए आपको इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप चुपचाप सीधा एक ही प्लेयर उठाएं जिसका नाम है मोलिडा। मोलिडा ने 2 गोल 25 अक्टूबर को किए, 25 अक्टूबर के बाद इसका एक मैच हुआ था, पता नहीं 28-29 अक्टूबर को, आज मेरे को क्लियर याद नहीं, डेट नहीं याद, बट इतना पता हुआ था, और उस मैच में भी इसका एक गोल आया था, क्लियर आया था, इसलिए इसको लेना 100% ज़रूरी है। डिफेंडिंग की बात करें, देखिए ये एक डबल साइडेड मैच है, मैं आपको ये तो राय नहीं दूंगा कि आप सारे प्लेयर एक साइड के ले लो। अगर आप देखो, मैं आपको सही बताऊं तो पहले तो मैं ना WHODET के साथ जाऊंगा, उसके बाद एन अब्दुल्ला, ये दोनों मेरे डन हो गए। थर्ड डिफेंडिंग पे इनका एक प्लेयर है हुसैन अल सबियानी, लेकिन उसकी जगह पर रेनन अगर खेलता है या रेनन वैसे भी खेलता है तो मैं ज़रूर लूँगा। अब सबियानी को वो लोग लेंगे जिनको लगता है अल शबाब की क्लीन शीट लग सकती है, लेकिन इतने भारी स्ट्राइकर हमने लिए हैं उसके बाद भी अगर ये शक है हम में तो फिर हम क्लीन शीट वाली टीम क्यों बनाएं। तो इसलिए मैं WTRUST ECONG के साथ सेफ जा रहा हूँ इस मैच में, बहुत रिस्क नहीं है, बहुत सेफ है ये प्लेयर।
उसके बाद अगर मैं गोलकीपिंग की बात करूं तो लोगों ने ना एम ग्रो को ही लिया है, और सबको पता है कि शॉट ऑन टारगेट दोनों टीम के तगड़े हैं, तो अगर आप ऑपोजिशन टीम का प्लेयर मायूफ लेते हो तो भी अच्छा है, अगर ग्रो लेते हो तो भी अच्छा है, बट मैं ग्रो ही लूँगा, क्योंकि अगर मैं मायूफ को लूँगा तो मेरे सात प्लेयर शबाब के हो जाएंगे, जो दिक्कत है। ठीक है, तो बात करें कैप्टन की, कप्तान मेरा भाई ए हैमडला, वाइस कैप्टन इज़ जोवियर, जोवियर को ही रखो, दो बार से रख रहा हूँ, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है बंदा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।